हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर 5 में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि हम लोग लेक्चर 4 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देख लिया है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल का पहला हम लोगों ने छायावाद को पढ़ लिया है। ठीक है, अब आज हम लोग बी नंबर करेंगे रहस्यवाद। ठीक है, रहस्यवाद को हम लोग देखेंगे और निर्गुण भक्ति द्वारा सगुण ये हो चुका है, भक्ति काल में ही हो चुका है। ठीक है, तो रहस्यवाद को आज हम लोग समझेंगे, रहस्यवाद के बारे में, इसकी विशेषताएं और इसके कवि और रचनाएं इनके। ठीक है, तो चलिए आपको बने रहना है और अगर आपने पिछली वीडियोज ना देखा हो तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने पूरा डिटेल समझाया हुआ है। आपको एक बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए रहस्यवाद की बात कर लेते हैं हम लोग, रहस्यवाद क्या होता है। ठीक, रहस्य का अर्थ होता है छिपी हुई बात, कुछ चीज़ें छिपी हुई होती हैं जो कि ना बताई जाए। अतः रहस्यवाद का अर्थ हुआ वह वाद जिसका मूलाधार छिपा हुआ, जिसका मेन चीज़ क्या हो, छिपी हुई, अज्ञात हो। विश्व का सबसे बड़ा रहस्य परमेश्वर है, जो कि आज तक सामने नहीं आए, परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को दर्शन नहीं दिए, सही है ना। तो वो सबसे बड़ा रहस्य है, वही सर्वोच्च सत्ता है। उस परमेश्वर या परमात्मा के प्रति व्यंजित प्रेम साहित्य में रहस्यवाद कहा गया है। देखो, परमेश्वर को लेकर के जिज्ञासा होना, उसके प्रति व्यंजित प्रेम होना, इसको लेकर के जो रहस्य बोला गया है साहित्य में, उसे हम रहस्यवाद कहते हैं। ठीक है, परमेश्वर के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसकी विशेषता भी इसी तरह की होगी, परमेश्वर के लिए, प्रेम के लिए। तो देखो, पहला है प्रेम की अभिव्यंजना। बिल्कुल, रहस्यवादी कवि अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हैं। अलौकिक मतलब सामने से नहीं, ईश्वर की, ऐसे बिना देखे हुए। जब किसी चीज़ को हम देखें ना, सामने पे हमारे ना हो और हम उसे प्रेम करें, वो अलौकिक होता है। वे प्रेमानुभात की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है, सही है ना, कई तरीके से होती है। दूसरा, आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता। बिल्कुल, आध्यात्मिक तत्व आ जाएगा, ईश्वर के प्रति भक्ति आ जाएगी, आध्यात्मिक तत्वों की अभिव्यंजना भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। ठीक, तीसरा दिया गया है रहस्यवादी कविता। अब रहस्यवादी, जब वहाँ रहस्य होगा तो रहस्यवादी कविता भी लिखी जाएंगी। तो रहस्यवादी कविता में विस्मय, जिज्ञासा और मिलना अनुभव की अभिव्यंजना भी की जाती है। यानी विस्मय और जिज्ञासा जैसे शब्दों का मिलना अनुभव, यानी ऐसा लग रहा है कि हम प्रेम के उसमें ऐसे पड़ गए हैं ईश्वर के, परमेश्वर के, कि हम उससे साक्षात मिल रहे हैं, ऐसा हमें होता है। और जिज्ञासा भी होती, जब तक परमेश्वर का हमें दर्शन नहीं होते या फिर उनका हमें एहसास नहीं होता तो हमें जिज्ञासा होती है, सही है ना। तो वही चीज़ कह रहा। चौथा नंबर, परोक्ष सत्ता के प्रति आकर्षण। रहस्यवादी कवि परोक्ष सत्ता की शक्ति और अद्भुत सौंदर्य पर चकित और मुग्ध होकर उससे मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। अब परमेश्वर को तो देखा नहीं है, बस वही वो परोक्ष सत्ता की शक्ति, उसकी परमेश्वर की सत्ता शक्ति जो है, उसकी शक्ति के अद्भुत सौंदर्य पर चकित और मुग्ध होकर सिर्फ उससे मिलने का आतुर होते हैं कि कब मिलेंगे। पांचवा, आत्मसमर्पण की भावना, पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, सही है ना। रहस्यवाद में आत्मसमर्पण की भावना पाई गई है। इसमें साधक अपने अहंकार को मिटाकर पूर्णतः प्रीतम के सामने समर्पित हो जाता है। प्रीतम का मतलब गलत नहीं समझना, ईश्वर को बोला गया है। ठीक है, बिल्कुल। छठवा, रूपकों और प्रतीकों की योजना। अब देखो, यहाँ रूप जैसे भी रहस्यवादी कवि अपनी रहस्यात्मक अनुभूत को एक विशेष प्रकार की शब्दावली में व्यंजित करते हैं। रूपकों और प्रतीकों की भाषा में बोलते हैं कि भगवान हमारा परमेश्वर इसके जैसा होगा, जल के समान स्वच्छ होगा, कमल के समान बढ़िया अच्छा दिख रहा होगा, है ना। तो काफ़ी सारा संकेत और भाषा बोली को लेकर के वो अपने परमेश्वर की व्याख्यान करते हैं। ठीक है, इनके कवि देख लेते हैं। कबीरदास जी बहुत अच्छे हैं, वो ईश्वर के भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं और ईश्वर भक्ति में ही लीन रहते हैं। कबीर ग्रंथावली, इन्होंने पूरा परमेश्वर के बारे में बताया है। महादेवी वर्मा ने लिखा, निहार रश्मि और नीरजा जो लिखा इन्होंने, ठीक है। तीसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे हैं, जो कि गीतिका इन्होंने लिख रखा है, बहुत पोस्ट है। जयशंकर प्रसाद, आंसू और लहर, इनके बहुत ज़्यादा आंसू और लहर, आंसू की किताबें आती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बिकती हैं। डॉक्टर राजकुमार रामकुमार वर्मा जी हैं, अंजलि लिखी हैं इन्होंने, ठीक है। तो जयसी कबीर मीरा प्राचीन रहस्यवादी कवि, प्राचीन यानी बहुत शुरू से, जब रहस्यवादी चालू हुआ तो तभी से चालू हो गए थे जयसी कबीर मीरा। इनके में हमेशा रहस्य ही रहता था, आखिर किसे प्रेम करते हैं, पता चला श्री कृष्ण को करते हैं, है ना। कबीर देव जी पता चला निर्गुण उपासक हैं, बिल्कुल बिना, जिसका कोई रूप रंग ना हो, नाम ना हो, उसकी उपासना करते हैं, जैसी जी ऐसे करते हैं, सही है ना। तो इनको आपको याद कर लेना ही, बहुत इंपॉर्टेंट चार हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको रहस्य बात समझ में आया होगा। बस इसको आपको समझना है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये याद रहेगा, जब शब्दों को पकड़े रहेंगे ना, रहस्यवाद का मतलब रहस्य चीज़ें थी परमेश्वर के बारे में, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर शब्द मिलेगा और आप लिख पाएंगे, सही है ना। तो बिल्कुल, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, रहस्यवाद हमने देख लिया है, अगला हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे उसके बाद का, है ना। तो आई होप कि आपने मज़ा आया होगा और आपने समझ गए होंगे, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से पहले भी एक काम है जो कि कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप देख लिए हैं और आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।